तो यूपीपीएससी 2023 का जो सी सेट का क्वेश्चन था उसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पेपर को जितने भी क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ्स के हैं उसको हम इस वीडियो में कवर करने का कोशिश करेंगे। दो तीन पार्ट में ये वीडियो आएगा सो दैट आपको पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन है ईजी सोल्यूशन वो आपको मिल जाए। बाकी मैंने शॉर्ट्स में भी इसके सोल्यूशन डाल रखे हैं तो आप 60 सेकेंड्स में भी अपने जो टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं और जो सोल्यूशन है वो 60 सेकेंड वाले भी देख सकते हैं। तो चलिए आपके सामने ये क्वेश्चन आ रहे होंगे। पहला सवाल लिखा है फाइंड द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर द मिसिंग टर्म। ठीक है, इसमें आपसे बोलता है कि आपके पास ए बी सी, उसके बाद 6, ई एफ जी, उसके बाद 210, फिर उसके बाद आई जे के, और उसके बाद क्या आएगा आपसे ये पूछा है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा। तो यदि हम बात करते हैं इनके नंबर्स की, तो इसका नंबर 1 है, इसका नंबर 2 है, इसका नंबर 3, और ये 6 कब आ सकता है यदि हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आ जाएगा। सिमिलरली ई का नंबर 5 है, एफ का 6 है और इसका 7 है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 210। तो आई का नंबर क्या होता है, आई का नंबर होता है 9, फिर जे का होता है 10 और के का होता है 11, तो इसका आंसर हो जाएगा 990 जो कि यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो उम्मीद करो ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट सोल्यूशन के बारे में। हाँ, बोलता है कि अगर एल सी को आपने लिखा हुआ है, एक मिनट, यदि आपने एल सी को लिखा हुआ है 6 और टी को लिखा हुआ है 10, तो आपको पी डी का कोड बताना है, पी डी का कितना कोड होगा। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं एल का नंबर कितना होता है 12 और सी का होता है 3, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 36, तो 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर, वही 36 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम टी का कोड देखते हैं तो टी का नंबर है 5 और ई का होता है, सॉरी टी का होता है 20, ई का होता है 5, तो मल्टीप्लाई करने पर 100 आएगा और 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। तो आपको पी का और डी का ध्यान रखना है। पी का जो नंबर होता है भाई, डी का तो 4 होता है, पी का जो नंबर होता है वो 16 होता है, तो 16 इंटू 4 कितना होगा, 64, और 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर आपको दे रखा है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और आपको सीरीज दे रखा है, इस सीरीज में आपसे, ठीक है, इस सीरीज में आपसे बोलता है कि 1058 17 24, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आपका क्या सोल्यूशन आएगा। तो यदि सीरीज को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको ये मिलेगा 0² + 1, उसके बाद 1² - 1, उसके बाद 2² + 1, उसके बाद 3² - 1, उसके बाद 4² + 1, 5² - 1, एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर स्क्वायर करके प्लस माइनस 1 हो रहा है, तो नेक्स्ट नंबर वुड बी 6² और फिर प्लस 1 होगा जो कि आपको मिलेगा 37, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए भी दे रखा है। आई होप इट इज क्लियर ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हम रीजनिंग की और इसकी बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अगर हम 55 को देखते हैं तो बोलता है आपके पास क्यू एन के ई, तो इनके नंबरिंग यदि आपको पता होगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा, राइट। तो नंबर याद करने के लिए एक ट्रिक आप याद रख सकते हैं, ई जे ओ टी वाई, ई जे ओ टी वाई, ई का मतलब 5, फिर 10, फिर 15, 20 और 25, ठीक है, इसका नंबर 5 होता है। जे के, जे का यदि 10 है तो के का 11 हो जाएगा। एल एम एन ओ, एन ओ एन ओ, इसका मतलब एन का 14 हो जाएगा। क्यू आर एस टी, क्यू आर एस टी, टी का 20 है तो 19, 18, 17, ये 17 हो जाएगा। तो आपको ये पता चल गया कि तीन तीन के क्रम में क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब 11 के बाद 3 कम करेंगे तो 8 आएगा। तो 8वें नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो एच इस राइट आंसर हो जाएगा जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। होपफुली ये आपको जो तरीके हैं या जो दिमाग में एकदम क्लिक करने वाली चीज़ें वो आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। हाँ, ये अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 56। देयर इज अ क्लॉक दैट इज 3 मिनट लेट ऑन द संडे, मतलब संडे को 3 मिनट पीछे चल रही है यूजुअल टाइम से, और ट्यूसडे को ये 3 मिनट आगे हो गई यूजुअल टाइम से, और ये जो वाक्य है ये 2 बजे हमने नोट किया, ठीक है,
तो बोलता है कि वो सही समय कब दिखाएगी। अच्छा, सही समय दिखाएगी, तो हम एक चीज़ नोटिस करेंगे कि 3 मिनट पीछे से 3 मिनट आगे, इसका मतलब जो टाइम गैप है वो टाइम गैप इसने कितना कवर किया, 6 मिनट। भाई ये जो घड़ी है 6 मिनट टाइम गैप कवर करती है, लेकिन कितनी देर में? भाई आप यहाँ पर संडे से ट्यूसडे पहुँच गए और 2 बजे, मतलब सेम टाइम पे, तो आप 48 घंटे आओगे आगे होगे। इसका मतलब 48 घंटे आपका ये एक्चुअल टाइम है, तो 48 घंटे में 6 मिनट का आप गैप कवर करते हैं, बट आपको सही समय दिखाने के लिए सिर्फ 3 मिनट का गैप कवर करना था। तो इसका मतलब 3 मिनट का गैप कवर करने के लिए आपको कितना समय लगेगा? तो 1 मिनट का गैप कवर करने के लिए इसको 6 घंटे लग रहे हैं। कितने घंटे? 6 घंटे, क्या 6 कैसे, सॉरी 8 घंटे। तो इसका मतलब 3 घंटे या 3 मिनट कवर करने के लिए इसको 8 * 3 = 24 एक मिनट, हमने कुछ गड़बड़ किया है, तो 48 घंटे 6 * 8 = 48, वो 3 मिनट आगे जाना था, राइट, तो 24 घंटे 3 से 3, ओहो ये 5 मिनट फास्टर थी, ओहो ये आपको 5 मिनट फास्टर दे रखी थी आपको, राइट, ये 5 मिनट फास्टर दे रखी थी। इस क्वेश्चन को हम दोबारा से करते हैं, कुछ डेटा मिसिंग कर दिया हमने। भाई संडे को 3 मिनट पीछे चल रही है, ट्यूसडे को ये 5 मिनट आगे चली गई, और टाइम आपको है, यदि हम देख रहे हैं 2 बजे हमने इस टाइम को नापा है, 2 बजे हम टाइम मेजरमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक यदि हम एरर देखते हैं, एरर तो इसने 8 मिनट का एरर एक तरह से कवर कर लिया, और इसको टाइम जो लगेगा 48 घंटे। तो 48 घंटे में सिर्फ ये 8 मिनट एक तरह से रिकवर या गैप जो है वो कवर करती है, तो सही समय के लिए सिर्फ 3 मिनट आपको आगे जाना था, मतलब 3 मिनट कवर करने थे, ठीक है। तो 1 मिनट के लिए कितना देर लगेगा इसको? 6 घंटे। 6 घंटे कैसे? 48 को भाग करेंगे 8 से, ठीक है। तो फिर आपको 3 मिनट के लिए कितना देर लगेगा? भाई 3 मिनट आगे जाना है तो 6 * 3 = 18 घंटे। तो 18 घंटे का मतलब 2 बजे के बाद, संडे से 2 बजे के बाद 18 घंटे आपको आगे जाना है। तो भैया संडे के बाद प्लस का 18 घंटे, तो 12 घंटे यदि हम आगे जाएंगे तो रात के 2 बज जाएंगे, और फिर रात के 2 बजे का मतलब मंडे आ गया, और उसका 6 घंटे और, तो 2 के बाद 6 घंटे 8 बजे, मंडे सुबह 8 बजे, तो जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक और क्वेश्चन करते हैं 57 वाला। एक्स आदमी किसी काम को 40 दिन में कर पाते हैं, फिर हमने 5 आदमी और लगा दिए जिससे 10 दिन बच गए, तो 30 आदमी उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे? तो मान लेते हैं एक्स आदमी है, उस काम को कितने दिन में कर पाते हैं? 40 दिन में कर पाते हैं, ये दिन हो गए एक्स आदमी हो गए। यदि हम 5 आदमी और लगा दें, मतलब आदमी हो गए एक्स प्लस 5, तो हमने 10 दिन सेव कर लिए। यदि 10 दिन सेव कर लिए तो कितने दिन में वो काम पूरा हो गया? जो काम पहले 40 दिन में हो रहा था वो 30 दिन में हो जाएगा, तो यहाँ पे * 30 करेंगे। तो ये * वाला है, x वाला नहीं है, मतलब दोनों में यदि आप कन्फ्यूजन हो, तो 40x = 30x + 150। तो यहाँ से 10x की वैल्यू हो जाएगी 150, तो x की वैल्यू 15 आ जाएगी। मतलब शुरुआत में हमारे पास 15 लोग हैं, कितने लोग हैं? 15 लोग, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम टोटल वर्क कैलकुलेट करेंगे, टोटल वर्क, भाई 40 दिन 15 आदमी, तो काम कितना हो गया? 600 कार्य हो गया। अब 600 कार्य करने के लिए कितने मैन अवेलेबल है? 30 मैन। तो टाइम कितना लगेगा? भाई 600 वर्क करना है, मतलब मान लो 600 पेंसिल बनानी है और 30 आदमी आपके पास अवेलेबल है, तो हर आदमी कितने पेन बनाएगा? 20। तो 600 / 30, सो दैट वुड बी 20। सो 20 इज राइट का राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का सवाल है। बोलता है क्या, अगर 2 डॉग्स हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू करते हैं एक ही लोकेशन से, मान लेते हैं ए इधर और बी इधर, ए वाली की रफ्तार दे रखी है 3 मीटर/सेकेंड और इसकी रफ्तार दे रखी है 2.5 मीटर/सेकेंड, और जो डायमीटर दे रखा है वो डायमीटर दे रखा है आपको 7 मीटर, कितना? 7 मीटर, ठीक है। ये व्यास जो दे रखा है, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू मैक्सिमम डिस्टेंस? मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब जब एक यहाँ पे पहुँच जाएगा और एक यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो मान लो ए से स्टार्ट किया, ए की जगह हम कुछ और नाम ले लेते हैं, एक्स से स्टार्ट किया,
तो x से p जाने में और x से q जाने में उनको टोटल टाइम कितना लगेगा। अगर हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखेंगे, अगर मैं आपसे बोलता हूँ डिस्टेंस एक्स पी प्लस एक्स क्यू, तो आप बोलोगे ये क्या हो जाएगा, परिधि जो होती है ना सर्कल की, उसका आधा हो जाएगा, दैट इज सर्कमफेरेंस का आधा, और सर्कमफेरेंस होता है 2πr/2, तो पाई आर हो जाएगा, कितना हो जाएगा पाई आर, तो पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितना होगा 7 का आधा होगा, तो 11 मीटर, कितना 11 मीटर। तो 11 मीटर कवर करने में उनको कितना देर लगेगा, सवाल बस इतना सा आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो सर 11 मीटर कवर करने में कितना देर लगेगा आपको बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ के बाद आपको टाइम निकालना है, तो टाइम यदि हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 11 मीटर। अब एक चीज़ आपको नोटिस करनी है कि यदि दो व्यक्ति या दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो उनकी जो सापेक्ष चाल होती है रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है, प्लस हो जाती है, तो उनकी स्पीड कितनी होगी, 1/3, 1/2, तो 11/5, तो कितना हो गया 2 सेकंड बाद वो अपने अपने मैक्सिमम डिस्टेंस पे पहुंच जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे के क्वेश्चन मतलब सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए आपको कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों के बीच में, क्योंकि जो आपका UPSC CSAT का एग्ज़ाम है उसको हम क्लियर करने में आपकी डेफिनेटली हेल्प कर रहे हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप भी अपनी तरफ से प्रयास करें और चैनल को आगे बढ़ाने में हमारा सपोर्ट करें। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।